सुबह उठते ही हमारा जो माइंड है वो तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर देता है। यार आज लेट हो गया है, आज तो मेरा ऑफिस या स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और ये सुबह सुबह लाइट क्यों जाती है। इस तरह की बातें हमारे सुबह सुबह दिमाग में चल रही होती है। सुबह हमारा साइलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको इसको प्रूव करके बताता हूँ। हेल एलरोड को जब कार ने टक्कर दी थी तब डॉक्टर ने कहा था कि अब ये मर चुका है, लेकिन उसके 6 मिनट बाद इनकी धड़कनें फिर शुरू हुई। 6 दिन तक वो कोमा में रहे। 7वें दिन जब इनको होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में चल फिर नहीं सकते क्योंकि पूरी 11 हड्डी टूटी है। लेकिन इसके कुछ साल बाद भी हेल एलरोड अपनी लाइफ में कीनोट स्पीकर, अल्ट्रा मैराथन रनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर बने। हेल एलरोड कहते हैं कि ये सब कुछ 6 हैबिट से हो पाया है जो वो सुबह 8 बजे से पहले करते हैं, जिसमें से एक हैबिट है मॉर्निंग में शांत रहना। माइंड को शांत करने का एकदम सही तरीका है मेडिटेशन करें। एक कहीं पर बैठकर अपनी सांस पर फोकस करें, सांस किस तरह से आपकी अंदर हो रही है और किस तरह से बाहर हो रही है। इसके लिए आपको सांस पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सांस से अवेयर हो जाए। वैसे इस पर मैंने पूरी डीप में एक अलग से वीडियो बनाई है। इसके साथ में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप एयरफोन लगाकर यूट्यूब पर रेन साउंड सर्च करके बारिश की आवाज सुन सकते हो। कुल मिलाकर आपको अपने आप को मॉर्निंग में रिलैक्स रखना है, चिंताओं से नहीं भरना है। अगर आप अपने दिमाग को मॉर्निंग में बेवकूफ बनाकर शांत कर देते हैं, जिस भी तरीके से जो तरीका आपको सही लगे, तब आपका पूरा ही दिन अच्छा जाता है। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की, जो आपको मॉर्निंग में पूरी तरह से पॉजिटिव कर देगा। सुबह आप ये लाइंस बोल सकते हैं, मैं खुश हूँ, मेरे पास जिंदगी में बहुत कुछ है, मेरी जिंदगी में थोड़े दुख है लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत भी है, मेरे पास इतने अच्छे रिलेटिव्स हैं तो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेरे पास बॉडी है, कई लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेरे को सुबह का नाश्ता नसीब होगा जो बहुत लोगों को नहीं होता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी है और मैं अब इसे और अच्छी बनाने के लिए उठा हूँ। ठीक इसी तरह से आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अफर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप ये बोल रहे होते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बता रहे होते हैं कि आप ये हो। आपका माइंड दो तरीके से काम करता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। आपके 90% लाइफ के डिसीजंस सबकॉन्शियस माइंड से ही लिए जाते हैं, यानी आपकी जो हैबिट्स है उसके बेस पर। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह अपने आप से ये कहते हैं कि मैं एक खुश इंसान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहा हूँ, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, फिर आपके डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसे डीप में किसी और वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। इसके साथ में जो भी एफर्मेशंस बोलते हो, मान लो आपने एफर्मेशन बोला मैं बहुत अच्छा बोलने वाला इंसान हूँ, लोग मेरे को पसंद करते हैं, तो इसे विजुलाइज करें। अपने माइंड में सोचे भी कि कैसा लगेगा जब आप अच्छा बोलोगे, कैसा माहौल होगा, फिर आप जैसे बोलते हैं, फिर जैसा आप उसे सोचते हैं कि आप उसे करोगे तो कैसा लगेगा, तो धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ में आप करने लग जाते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कई मॉर्निंग्स में यह सोचता हूँ कि मैं बड़े लेवल पर सेमिनार कर रहा हूँ, ऑडियंस मुझे सुन रही है, फिर मेरा माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। दिमाग का इतना काम कर लेने के बाद में आता है शरीर का काम करना। मैं आपको मॉर्निंग में जिम करने के लिए या भारी एक्सरसाइज करने का नहीं कह रहा, आप बहुत हल्की लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर हेडफोन लगाकर अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए मॉर्निंग वॉक में जा सकते हो। कितना अच्छा लगता है जब इन्वायरमेंट पूरा क्लीन होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप मस्ती से धीरे वॉल्यूम में गाने सुनते हुए चलते हो। उसके बाद घर आकर आप थोड़ा पढ़ सकते हो, इंटरनेट पर किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ सकते हो, किसी बुक के पेज पढ़ सकते हो जो आपकी रीडिंग लिस्ट में चल रही है। जैसे अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ वो हेल एलरोड की बुक मिरेकल मॉर्निंग में लिखा है, जिसे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करके बता रहा हूँ। तो आप भी इस तरह की बुक्स पढ़ें, और सबसे लास्ट में अपने कुछ विचार लिखें कि आपको क्या करना है और अब तक आपने क्या किया। इस तरह से आप खुद को ट्रैक कर सकते हो, आपको पता होता है कि आप कहाँ हो, और आपको हर बार पता चलता है कि आप कितना आगे बढ़ रही हो। ये 6 हैबिट्स आपको सुबह उठकर 8 बजे से पहले करने होंगे। दोस्तों अगर हेल एलरोड कोमा से उठकर इतने बड़े इंसान बन सकते हैं इन 6 हैबिट्स से, तो आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो इन 6 हैबिट्स से। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ये लाइक्स ही है जो मुझे कहते हैं कि ऐसी